भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सरकारी बैंक पर शिकंजा कसा है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक पर 57.5 लाख रुपए का भारी जुर्माना ठोका है। RBI की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई कुछ मानदंडों और धोखाधड़ी से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर की गई है। RBI की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार मार्च 2020 के अंत में अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण और रिपोर्टों में त्रुटियां मिली है, जिसकी जांच के आधार पर यह जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि इंडियन ओवरसीज बैंक पता लगाने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर ATM कार्ड क्लोनिंग स्कीमिंग से जुड़े धोखाधड़ी के कुछ मामलों की जानकारी देने में सफल नहीं रहा था, जिसके बाद RBI ने यह सख्ती दिखाई है।